हाय फ्रेंड्स, दिस इज रूपशा। आज हम देखने वाले हैं कि कैनवा में हम टेबल कैसे बनाएंगे। तो टेबल बनाने के बहुत सारे प्रोसेस हैं, तो इसके लिए मुझे एक पेज लेना होगा। तो मैं ये बड़ा सा पेज ले रही हूँ। ओके, तो आप चाहे आपका जो साइज़ है उस हिसाब से आप पेज क्रिएट कर लेंगी, क्रिएट कर लेना। ओके, तो टेबल हम हैंडवेन बना सकते हैं, यानी कि हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, या वह जो एलिमेंट टैब है तो इसमें से हम स्क्वायर शेप लेंगे और ऐसे हम कर सकते हैं। तो इसका जो कलर कॉम्बिनेशन वो आप सेट कर सकते हैं आपके हिसाब से। तो मैंने ये कलर कॉम्बिनेशन जो है ये सेट कर लिया। इसके बाद हम लाइन में जाकर इस लाइन को ले लेंगे। ये लाइन का जो वेट है वो हम चाहे ठीक कर सकते हैं, और इस लाइन को हम शिफ्ट दबा के, कीबोर्ड से शिफ्ट दबा के ऐसे करके हम ड्रैग करेंगे तो ये सीधा सा लाइन क्रिएट हो जाएंगे। तो इसके बाद मैं ऑल्ट प्रेस कर रही हूँ और ये रोटेट कर रही हूँ। तो रोटेट मैं 90 डिग्री में करूँगी ऐसे। तो इसका जो साइज़ है मैं ये साइज़ को छोटा कर रही हूँ। तो ऐसे हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो ये हम डुप्लीकेट कर करके ऑल प्रेस करके डुप्लीकेट कर रही है और ये टेबल क्रिएट होता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। इसके बाद ऑल्ट प्रेस करके ये लाइन को भी हम ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करके ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको मैं थोड़ा नीचे कर लूँगी और इसको मैं ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेंगी। तो स्पेस अपने हिसाब से ठीक तरह से हम बना सकते हैं। तो ये मेजरमेंट आपको करना पड़ेगा। आप चाहे तो जो जब आप ऑल्ट क्लिक करके ड्रैग करिए तो उसका जो एक साइज़ होता है ये साइज़ आपको दिखेंगी। तो ये साइज़ आप मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि ये 150 है तो 150 भी सारी हम रख सकते हैं ऐसे। तो ये एकदम से परफेक्ट होगा, तो ये हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम और एक रेक्टेंगल लेंगे और ये ऊपर ऐसे फुट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइटल लिख सकते हैं। ठीक है,
तो ऐसे करके हम टेबल क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ पे टेक्स्ट आप लिख सकते हैं, कीबोर्ड से टी प्रेस करके हम ये जो टाइटल है वो टाइटल को मैंने यहाँ पे पुट कर लिया। ठीक है, तो ऐसे करके हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं और ये जो है वो हम यहाँ पे बिठा देंगे। ठीक है, तो ऐसे हम बहुत सारे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं अगर चाहे तो आपके हिसाब से आप टेक्स्ट ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हो ऐसे। ठीक है, ये आप कर सकते हो। फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं हम ऐसे। ठीक है, फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं, तो सब कुछ कर सकते हैं। जो भी टेक्स्ट फॉर्मेशन आपको करना है वो सब कुछ यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, नंबर भी पुट कर सकते हैं। तो ऐसे हम टेबल बना लेंगे कैनवा में, बहुत इजी है। और या फिर आप दूसरी प्रोसेस में भी बना सकते हैं, तो वो कैसे, या मैं कैनवा में जो होम पेज है तो होम पेज में मैं टेबल लिख कर सर्च किया, तो यहाँ पर बहुत सारे टेबल की जो फॉर्मेट है टेम्पलेट है वो आपको मिलेगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैंने सर्च किया टेबल लिख के, तो यहाँ पे बहुत सारे टेबल चले आए, बहुत अलग अलग डिज़ाइन के हैं। तो इसमें से आपको रेडीमेड टेबल चाहिए तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से ये क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। तो ओपन होने के बाद हम यहाँ एडिट कर सकते हैं, जो कुछ भी लिख कर हम एडिट कर सकते हैं यहाँ पे। तो सब कुछ टेक्स्ट जो है वो एडिटेबल है यहाँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हम अगर चाहे तो कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ ऐसे। ठीक है, ये जो कलर है वो भी हम चेंज कर सकते हैं अगर हम चाहे। ऐसे हम टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये जो लाइन कलर है वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे रेडीमेड टेबल आपको मिल जाएंगे जिसको आप एडिट कर सकते हैं ऐसे। और इसमें आपको एडिटेबल टेक्स्ट भी मिलेगा और यहाँ से आप एडिट कर लेना। तो अगर आप क्रिएट टेबल क्रिएट नहीं करना चाहते हो तो ये इस टेम्पलेट से आपको मिल जाएगी। बहुत सारे टेबल के डिज़ाइन हैं यहाँ पे, तो वो आप यूज़ कर सकते हो आपके डिज़ाइन पर। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये दो तरह के ऑप्शन है, जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो यही था कि कैसे हम कैनवा में टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो पसंद हुआ तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बाय।